Say this better, velocity of sound यू नो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड velocity क्या होता है एक टाइप का स्पीड होता है कि कितना स्पीड से देखो हम लोग बोलते हैं ना अगर मैंने आपको इतना फास्ट से बताना शुरू कर दिया कि अगर मैंने एक सेकंड में इतने सारे बातें बोल दी कि बच्चे तो शांत बैठे तुरे तो को जो समझाया वो तेरे को समझ में आया कि नहीं आया कि आप क्या बोलोगे कि, सर कितना फास्ट बोल बराबर ना आप क्या बोलोगे कि, सर कितना फास्ट बोल रहे हो ये फास्ट बोलना बोले तो क्या यह स्पीड है मैं अलग स्पीड से बात करता हूँ अगर कोई और होता तो वो अलग स्पीड से बात करता कोई और होता तो वो उसकी अलग स्पीड से बात करता मतलब यहाँ पे स्पीड वैरी करती है पर्सन टू पर्सन यहाँ पे स्पीड वैरी करता है फिर ये वैरी करे वाला जो स्पीड होता है ये प्रत्येक पर्सन के लिए एक होता है क्या बेटा नहीं होता है ये प्रत्येक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है तो डिपेंडिंग ऑन दैट वेलोसिटी और डिपेंडिंग ऑन दैट पॉइंट वी हैव आइडेंटिफाई हियर द वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे हमने देखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड अब इस वेलोसिटी ऑफ साउंड में सबसे पहले ये बात याद रखिए कि वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस बोलिए डिस्प्लेसमेंट बोलिए कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ठीक है वेलोसिटी बोले तो क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है जो कोई भी साउंड स्पीड में ट्रैवल करेगा जो कोई भी साउंड जो है स्पीड में ट्रैवल करेगा उसको बोलेंगे डिस्ट। क्या होता है बेटा स्पीड होता है ठीक है अब देखिए वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्टेंस कवर by a point on the way on the way sorry wave in unit time is known as velocity which is v is equal to nu into lambda because,

इब्रेशन या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा वाइब्रेशन क्रिएटेड बाई की जगह पे आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी सी बेटा नेक्स्ट अब आपको यह बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है यह हर मीडियम में अलग अलग होती है मतलब सॉलिड में डिफरेंट होगा देन लिक्विड में डिफरेंट होगा एंड देन गैस में भी डिफरेंट होगा सो सॉलिड लिक्विड गैस में इसमें सबसे ज्यादा साउंड का वेलोसिटी होता है सॉलिड में मोर लेस लेस बोल सकते हो हम लोग ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस इन अदर मीडिया लाइक लिक्विड और गैसियस मीडिया ओके बेटा द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको पता है इटालियन साइंटिस्ट था बेरली बेरेली नाम का एक इटालियन साइंटिस्ट था उसने जो है ना बेरली और विवियन नाम के साइंटिस्ट ने 1660 में जो है सिक्सटीन में सोलह 16, में उसने क्या किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रिडिक्शन लगाया था उसने क्या किया था एक गन को शूट किया डैश क्यों करके एक गन को शूट किया और गन को शूट करने के बाद में उन्होंने इस बुलेट का स्पीड मेजर किया था उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि बुलेट का स्पीड जो है साउंड का स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड है और आज जब हम लोग कंप्यूटर एक्यूरेसी मेजर करते हैं तो वो है 346 मीटर पर सेकेंड सो सोचिए कितना एक्यूरेट उन्होंने बताया था अप्रोक्सीमेटली तो ये 50 हुआ ना आसपास ही आया ना तो 346 फोर्टी इज वेरी क्लोज वैल्यू टू द थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस इज वॉट द बेटा ये जो है uh, uh, जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड का टर्म आता है बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या साउंड हर एक मीडियम में जैसे मैंने यहां पे बोला सॉलिड लिक्विड गैस में जो है साउंड का वेलोसिटी अलग अलग होता है तो क्या साउंड का वेलोसिटी टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर डेंसिटी क्या इन चीजों के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है क्या यस yes, बेटा ये साउंड जो है ये वेरियस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है जैसे कि स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है बिकॉज साउंड नीड मीडियम साउंड को क्या लगता है बेटा मीडियम लगता है लास्ट स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था अब इस स्टैंडर्ड में आप इतना याद रखिए कि साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट अगर साउंड के पास मीडियम रहेगा तो और तो ही साउंड ट्रैवल करेगा अगर साउंड के पास मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा साउंड जो है वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा बेटा यहां तक तो आपको मालूम है यहां तक तो हमने देखे वाला है इसमें तो कोई अड़चन नहीं है अब साउंड को मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए प्रोपोगेट करने के लिए तो क्या ये मीडियम एक ही प्रकार का अवेलेबल करवा के दे सकते हो क्या चलो भारत में मैंने बात कर लिया यहां पर मैंने बात कर लिया एयर है मेरे पास ओके okay, चलो ठीक है यही बात अगर मैं कैनेडा में जाके करता हूं तो वहां पर तो ह्यूमिडिटी के कारण डेंस एयर मिलेगा कभी कॉम्प्रेस्ड एयर मिलेगा राजस्थान में अलग रहेगा तो इस वजह से क्या ये साउंड टेम्परेचर डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है येस yes, बेटा ये सारा जो साउंड है ये सारे अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैसियस मीडियम अगर गैसियस मीडियम में है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीडियम हम लोग गैसियस ही कंसिडर करते बेटा क्यों क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो भी गैसियस स्पीड में ही है ना आपके मोबाइल में से आपने एयर एयरफोन लगाया होगा या फिर आप ऐसे डायरेक्टली सुन रहे हो आई डोंट नो अब जब आप सुन रहे हो तो आपको एक बात यहां पे समझ में आ रही है कि ये साउंड जो है एयर में से ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है तो इस वजह से यहां पे वेलोसिटी इन मीडियम जो है नया वाला पॉइंट बनता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम इसमें अगर सबसे पहला देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्क्परेचर इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड का वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा कम हो जाएगा नेक्स्ट क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर रूट ऑफ मास ओके देखो ये तीन फैक्टर पे साउंड का वेलोसिटी डिपेंड करता है ठीक है टेंपरेचर डेंसिटी मास कैसे देखो टेंचर ज्यादा है तो साउंड का वेलोसिटी भी ज्यादा होगा क्यों क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा ज्यादा करेंगे स्पीड से ट्रैवल करेंगे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से उनका ऑसोलेशन भी ज्यादा होगा ऑसोलेशन ज्यादा होने की वजह से साउंड का स्पीड भी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा सेकेंड वाला पॉइंट ऐसा बनता है देखो डेंसिटी का डेंसिटी है बोले तो क्या कि डेंस होने लग गया मॉलिक्यूल पास में आ गए इंटर मोलिकूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया जिस वजह से दो मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पाएंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे दो मॉलिक्यूल अगर दूर गए तो साउंड भी ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा लेकिन अगर डेंस हो गया तो दो मॉलिक्यूल पास आएंगे ये वाला ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव टेकन टेक इनवर्सली प्रपोर्शनल मास का भी सेम ही है कि अगर मास ज्यादा होगा एटम का तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगा आपको पता है ना जाड़े लोग ज़्यादा भाग नहीं पाते जितना कि पतले लोग भाग जाएंगे अब पतले इतने भी पतले नहीं चाहिए कि वो उदबत्ती छाप हो थोड़े से खाते पीते घर के होने चाहिए थोड़ी से ज़्यादा नहीं ज़्यादा बोले तो वो बहुत ज़्यादा होता थोड़े से खाते पीते घर के रह तो भी चल जाएगा नो इशू नो प्रॉब्लम देखो बेटा यहाँ पे तो ये समझ में आ गया आपको कि वेलोसिटी जो है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है अलग अलग प्रोपोगेट होता है अलग अलग ऑसुलेट होता है इसके बाद में अपना पॉइंट आता है बच्चों इसके बाद में आता है ऑडिएबल इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक साउंड सबसे पहला आता है ऑडिएबल ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी के हर्ट्स इसको बीस हजार भी बोलते हैं इंफ्रा स देन 20 हर्ट्स अल्ट्रा मोर देन 20 के हर्ट्स देखो बेटा ये अल्ट्रा इंफ्रा ऑडियबल क्या है ये एग्जैक्टली exactly, ये झमेला क्या है ऑडियेबल जो आप सुन पा रहे हो ना जो साउंड आप सुन रहे हो अभी वो ऑडिएबल साउंड है बराबर वो ऑडियबल इसलिए है क्योंकि यू आर एबल टू हीर दैट ह्यूमन्स का रेंज जो है 20 हट से लेके 20,000 हजार हर्ड्स तक का होता है 20 हट से नीचे अगर साउंड जाता है तो भी सुनाई नहीं देगा 20,000 हजार हर्ट से ज़्यादा भी होता है तो भी सुनाई नहीं देगा अगर साउंड 20,000 से नीचे आया तो वो चला जाता है इंफ्रा में और अगर उससे भी कम हो गया मतलब 20,000 से ज़्यादा 20,000 के से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा अल्ट्रा हो जाएगा बराबर आपको सिर्फ इतना ही है बट मैं एक आपको और एक इसमें ऐड करके बता दूं वो है सुपरसोनिक व्हाट इज मीन 40 के हर्ट से भी ज्यादा होती है जो चालीस हजार हर्ट से भी ज्यादा का होता है चालीस के हर्ट से भी ज्यादा का होता है उसको बोला जाता है सुपरसोनिक मैं बताता हूं कैसे हम आते हैं एक एक पॉइंट अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक ऑडियबल एंड सुपरसोनिक सबसे पहले ऑडियेबल ऑडियेबल तो ह्यूमन जिसको रेंज कर सकते हैं ह्यूम जिसको सुन सकते हैं उनको कहा जाता है ऑडियेबल साउंड उसको ऑडियेबल साउंड बोलते हैं फिर भी मैं एक बात बता दूँ जो आपको पता है ना ये डी जे पी जे लगते हैं ये मेले मंडियों में शादियों में बारातों में जो है है करके नाचने के लिए जो डी जे वीजे लगते हैं ना वो जबान बाहर लटका के वैसे नाकिन डांस करते सब करके वाला तो ये जो नागिन डांस के लिए जो डीजे पी जे लगाए जाते हैं ना उसका रेंज भी सत्रह हज़ार हर्ट्स का होता है मैक्स हाँ उसमें भी डॉल वगैरह सब आ गया वो ठीक है तो उसका मैक्स रेंज कितना गया बेटा सत्रह हज़ार हर्ट्स तक का जाता है सत्रह हज़ार रुपये ही अपना क्या होता है धक् धक्क ऐसे होने लगता है कभी गए होंगे आप शादी बारात में किसी के या फिर आपके गली में से किसी की शादी की बारात या गुजरी होंगी तो आपको पता है यू आर क्लियरली सीन दैट कि इफ़ अगर वेडिंग आपके यहाँ से होता है या फिर दूल्हे का जो है सेहरा जो अपने घर के सामने से निकलता है सहरा तो उसके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं डीजे सत्रह हज़ार पे अपने हार्ट में से धम 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 होने लगता है बराबर ना बेटा डॉल इफेक्ट जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग डॉल साउंड भी बोलते हैं ठीक है बेटा सुनो अब ऑडियबल साउंड जो है बीस हजार तक अपने को क्लियरली सुनाई देता है उसमें कोई अड़चन नहीं चाहती

जैसे पोर्सुलिन के पुराने पुराने जैसे म्यूजियम में बर्तन रखे वाले रहते हैं ना म्यूजियम के अंदर आ, मोहन संस्कृति के सभ्यता के बर्तन हैं कुछ उसके बाद में बहुत सारी ऐसी सभ्यता है सिंधु सभ्यता है उसके बर्तन अपने पास आज भी अवेलेबल है तो ये सभ्यताओं के बर्तन को ज़्यादा अगर रगड़ रगड़ के क्लीन करोगे तो वो तो घस जाएगा वो तो खराब हो जाएगा अपने को खराब नहीं करना है लेकिन ना वो सभ्यता के बर्तन अगर आपने देखे तो वो कुछ इस तरह से होते देखो इतने डेलीकेट होते हैं और यहाँ से ओपनल दिया जाता है उसको यहाँ से और अब यहाँ तक तो हाथ चला जाएगा यहाँ तक पर इस कॉर्नर का क्या यहां पे तो गंदगी जमी जाएगी ना तो ये गंदगी को साफ कैसे करेंगे तो इसके अंदर क्या करते बेटा सबसे पहले पानी छोड़ते और उसके बाद में अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते अल्ट्रासोनिक साउंड क्या क्रिएट करता है वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिस वजह से ये भी वाइब्रेशन होके ये पूरा पानी जो है खराब हो जाता है मतलब अंदर की गंदगी पूरी वो पानी में मिक्स हो जाती है और पानी को फेंक दिया जाता है बर्तन जो है साफ हो जाता है अच्छे से मोहन जदारो सभ्यता की अगर बात करूँ तो तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड पेस्चराइजेशन के लिए भी आता है अगर आपके घर पे दूध का थैली आता होगा तो उसके ऊपर लिखा जाता है कि पेस्चराइज मिल्क इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर के बैक्टीरिया को पैस्चराइजेशन प्रोसेस से किल किया गया है पेस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा ये जो साउंड जो है साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड उसके अंदर डाला जाता है जिस वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं एक लिमिट तक उसको डाला जाता है बैक्टीरिया मर जाते हैं बैक्टीरिया मरने के बाद में जो है लोग जो है मिल्क को यूज कर सकते हैं उसको पेस्टराइज्ड मिल्क, मिल्क ऐसा बोलते हैं पेस्टराइजेशन के बाद में नया वाला एक आया है देखो अब आता है ये तो अल्ट्रासोनिक मैं फिर भी आपको बता दूं अल्ट्रासोनिक का रेंज जो होता है वो भले ही आपको 20 के हर्ट्स बोला हो लेकिन वो 20 के हर्ट से मोर बोला हो लेकिन ये मोर नहीं होता है बेटा ये 20 के हर्ट्स टू 40 के हर्ट्स तक ही होता है और 40 हर्ट के हर्ट्स के ऊपर अगर ये जाता है ये साउंड अगर अगर 40 के के ऊपर जाता है, तो इसको क्या बोलते बेटा सुपरसोनिक सुपरसोनिक साउंड साउंड बोलते हैं। ये कैसा होता है है बेटा? आपको पता है, पहले कैसे होता था ब्लास्ट किया दिख रहा होगा ये ग्रेनाइट का दिख रहा होगा, दिखा मैं आपको। लिखो, ये ग्रेनाइट का है पत्थर तो से तोड़ के बनाया जाता है पुराने जमाने में क्या होता था इसके पत्थर को तोड़ने के लिए पहाड़ के अंदर छोटे छोटे छेद किए जाते थे और छेद करके उसके अंदर नस्ला बारूद लगा दिया जाता था ब्लास्ट होता था शीट्स साइड में हो जाती थी लेकिन इस बारूद की वजह से जो क्रॉप ग्रो करने वाली जो ज़मीन है वो भी खराब होने लग गई थी खराबी आने लग गई थी वो प्रॉपरली कल्टिवेट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रहा था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे फिर इन प्रॉब्लम से अपने को निपटाना चाहिए था तो इसीलिए वहाँ पे सुपरसोनिक साउंड बनाया अल्ट्रासोनिक साउंड को अगर आप ज़्यादा देर तक हेयर करोगे तो आपको जो है आ, स्ट्रेस के कारण या फिर प्रेशर के कारण आपके वेंस में सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा सुपरसोनिक साउंड अगर आपने सुन लिया तो आपके आंखों में से नाक में से मुंह में से कान में से जहाँ जहाँ पे ओपन एक्सटर्नल ओपनिंग है अपने बॉडी का वहाँ वहाँ पे से खून आना शुरू हो जाएगा ब्लड कम्स आउट इफ़ यू आर गो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट ऑफ सुपरसोनिक तो इसके लिए चेंबर बनाया जाता है उसके अंदर से एयर निकाल दिया जाता है मीडियम नहीं बनाते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोसेस किए जाते है उसके बाद में अल्ट्रासोनिक साउंड डाल के पहाड़ को जो है मक्खन की तरह काट दिया जाता है एकदम और उसके शीट्स को और शील्ड्स को जो है सेपरेट किया जाता है अपने यूज़ के लिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक एंड सुपरसोनिक अब आते हैं इंफ्रा के ऊपर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इंफ्रासोनिक साउंड सुनते हैं बेटा उनको बहुत कम धीरे से भी बात किया ना तो भी चल जाता है सो दिस इज वॉट इंफ्रासोनिक साउंड ओके बेटा सबसे पहले देखिए ऑडियबल को कैसे डिफाइन करेंगे द साउंड रेंजेस बिटवीन ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स इज नोन एज ऑडियबल द साउंड विच रेंजेस ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड द साउंड विच रेंजेस बिलो 20 हर्ट्स इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड अब सुपरसोनिक अपने सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने आपको समझा दिया है कि सुपरसोनिक जो है वो फोर्टी के हर्ट से ऊपर होता है इट्स वेव और वेव इंटेंसिटी इज मोर देन फोर्टी के हर्ट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट कंसिडर टू बी एज ए सुपरसोनिक साउंड सो ये है अपने साउंड के बारे में अब इसके यूजेस अगर हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड के तो अल्ट्रासोनिक साउंड के बहुत सारे यूजेस है बेटा उसमें से सबसे पहला है कि शिप्स और सीज जो होते हैं ना सी शिप जो है शिप के अंदर जो कितना डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करते हैं वहां पे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है सेकेंड वाला है बेटा टू ज्वाइन द प्लास्टिक सर्फेस टूगेदर दो प्लास्टिक के बीच में अगर आपने अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया तो ये प्लास्टिक के सरफेस क्या हो जाएंगे बेटा ये जुड़ जाएगा ठीक है तो इसको ज्वाइंट करने के लिए भी क्या होता है यूज़ होता है उसके बाद में स्टरलाइजेशन लिक्विड के लिए जैसे कि मिल्क है मिल्क के अंदर का बैक्टीरिया किल करने के लिए पेस्चराइजेशन प्रोसेस में जो है हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करते हैं उसके बाद में हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को इको या फिर इको इको कार्डियोग्राफी में भी यूज़ करते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड स्टडी होती है हार्ट रिलेटेड स्टडी होते हैं इसीलिए कार्डियो कार्डियो में भी इसका यूज़ होता है हार्ट से रिलेटेड सर्जरीज होने की वजह से इसको हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी हिल में क्रैक अगर है या फिर रेलवे के ट्रैक में अगर क्रैक है तो उस क्रैक को मेजर करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को ये हम लोग शिप का जब पॉइंट देखेंगे तब हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट आपको शायद ये समझ में आया होगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनामिन इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स विच इज गिवन बिलो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है यू आर फ्री टू आस्क एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्टेड टू आस्क यू कैन डजेंट मैटर की वाई सो लाइक दैट इट नॉट लाइक दैट बेटा वॉट एवर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सो यू हैव टू आस्क टू मी so if you have any problem don't hesitate to ask in the comment box which is given below otherwise like share and subscribe the channel why so subscribe the channel because of subscription you will get the notification to get that notification you have to subscribe the channel so do it fast thanks for the watching thank you